गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंसेस, जिसमें कल हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का परिचय और उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आज जो है उससे आगे दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाते हैं, क्या पहचान होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पैटर्न क्या होता है उसका। हालांकि मैंने कल भी बताया था आपको, पैटर्न कोई माइंड में नहीं रखता परीक्षा के लिए। वैसे अगर सामान्य जीवन में हम जो है वो वाक्य बनाना चाहते हैं या अपनी इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं, तो पैटर्न याद करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिखवाया है, समझाने का प्रयास भी किया है। लेकिन परीक्षा में जो है वो केवल जो है आपको हेल्पिंग वर्क और वर्क का सही रूप ही भरना होता है। तो दोनों प्रकार से मैंने समझाने का प्रयास किया है, पैटर्न भी लिया है, उसके बाद उदाहरण दिए हैं, पहचान भी उसमें लिखी हुई है, तो मैं समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो है वो पैटर्न देख लीजिए। सब्जेक्ट, जैसे साधारण वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट पहले आता था, ऐसे इसमें भी सब्जेक्ट आता है सबसे पहले। उसके बाद में डू नॉट या डज नॉट में से एक रखते हैं, या तो डू नॉट रखते हैं या डज नॉट रखते हैं। आप डू नॉट कहाँ रखते हैं, डज नॉट कहाँ रखते हैं, आगे देखूंगा मैं, समझाऊंगा अपने। तो डू नॉट या डज नॉट, और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेना है। देखो, कल जो है वो सेंटेंसेस, सकारात्मक सेंटेंसेस जो हमने बनाए, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके पीछे एस या ईएस लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट वाले वाक्यों के वर्ब के पीछे जो है वो एस या ईएस लगता है, और बहुवचन वाला जो सब्जेक्ट होता है उनकी वर्ब के पीछे एस या ईएस नहीं लगता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाक्य जो होते हैं, नकारात्मक जो वाक्य होते हैं, उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्यों में, ठीक है। डू नॉट और डज नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यहाँ पर चाहे आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, कोई मायने नहीं रखता है। आपको जो है एस या ईएस उसके पीछे नहीं जोड़ना है। यहाँ जो डिफरेंस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डिफरेंस जो है वो केवल जो है वो हेल्पिंग वर्ब में होगा, डू और डज में होगा, ठीक है। तो वो आगे स्पष्ट करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है केवल बिना एस या ईएस के, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखना है, और उसके बाद में जो पीछे आपके पास शब्द जो रहते हैं उनको डालना है, ठीक है, और उसके बाद फुल स्टॉप, आपका वाक्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, डू कहाँ रखना है और डज कहाँ रखना है। देखिए, सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स सभी एक वचन करता है जो है, करता जो है, उनके साथ में आपको रखना है डज, ठीक है। ई सी ई टी या किसी का नाम वगैरह हो तो उसके साथ में आपको डज नॉट रखना है, और फिर उसके फर्स्ट फॉर्म को लेना है, ठीक है। सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ, दे है, फार्मर्स, बॉय, चिल्ड्रन, या कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट आप को पहचान हो जाए कि ये जो है वो सब्जेक्ट बहुवचन है, तो आपको उसके साथ में डू नॉट लेना है, और फिर लिखा है मैंने आई के साथ में तथा यू के साथ में। यू देखो, यू बहुवचन में भी यू होता है और एकवचन में भी यू ही होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यू के साथ में आपको, चाहे वो एकवचन है या बहुवचन है, जैसा भी है, आपको हमेशा डू लेना है, और आई के साथ में भी डू लेना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये विशेष इस बात को विशेष ध्यान रखें। उसके बाद मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं आपको समझने के लिए। देखिए, ही नॉट, देखो इंट्रो, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो थे और ये नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों एक प्रकार के ही हैं। वैसे पहचान जो है वो जैसे एडवर्ब में आती थी, इनमें भी एडवर्ब आती है, और रचनात्मक जो है वो वाक्य इनमें भी होते हैं, स्टेटमेंट्स टाइप, तो जो है वो आपको दूसरी कोई इनमें उनमें फर्क नहीं नजर आएगा। केवल जो है वो फर्क जो है वो यहाँ नेगेटिव की पहचान के लिए आपको ये शब्द जो है नॉट मिलेगा, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये नेगेटिव है। अब किस टेंस के नेगेटिव है तो आपको इसके लिए जो है वो एडवर्ब या कथनों का उन कार्यों का सहायता कार्यों की सहायता लेनी है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। आपको पहचान करनी है कि ये जो है इस प्रकार के कार्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं और नॉट लगा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव आके हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाक्य ही नॉट लाइक स्टोरीज डेली लिया है, पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन कैसा वाक्य है, अपॉर्मेटिव है कि नेगेटिव है, तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ जो नोट लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि डू नॉट और डज नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आमतौर पर जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई होती है, कभी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म उसमें कोष्टक में दी हुई नहीं होती है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आप भर लोगे इसमें से, लेकिन डू लोगों की डज लोगे डू लोगे की डज लोगे ये इसको नीचे करने के लिए आपको जो है वो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको लेना है डज और अगर बहुवचन है तो लेना है डू। तो यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको ध्यान है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज और फिर पोस्टर में से ले लिया नॉट और फिर जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म जो लिखी हुई है पोस्टर में वो यहाँ पर क्या पड़ गया, ही डज नॉट राइट स्टोरीज डेट। ठीक है, दूसरा यू नॉट प्ले गेम इन द इवनिंग, देखो इन द इवनिंग ये हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, तो इसकी पहचान ये तो आप मालूम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन कैसा वाक्य, नेगेटिव नॉट से मालूम हो गया। अब देखेंगे सबसे डू नॉट और डज नॉट के लिए, तो यू को बहुत समाना है डू और नॉट और उनकी बचपन जो कि पोस्टर में दी हुई है पी एम ए वाई प्ले। ठीक है, ही डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। अब देखिए द फार्मर्स नॉट सो सीड्स, स्थायी कार्य परमानेंट कार्य है ये। ठीक है, वो आगे प्रेजेंट का हो या इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन किस प्रकार का प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य है तो आपको ध्यान होगा नोट देख के आप मालूम करेंगे कि ये नेगेटिव वाक्य है। तो द फार्मर्स बहुवचन है तो डू आना चाहिए और नोट लेंगे कोष्टक में से और लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये बन गया वाक्य। अब इसके बाद में आपका चौथा वाक्य जो है वो है आई टी इन द मॉर्निंग, देखो ये भी हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, और वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया नेगेटिव, आई के साथ में मैंने बताया डू कोष्टक में से नॉट और वाक्य फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में, इस प्रकार से इसके वाक्य बनते हैं। पहचान वही होती है नेगेटिव और अफर्मेटिव की पहचान करने के लिए जो है वो इनको डिफरेंस बताने के लिए नॉट दिया हुआ होगा आपको कोष्टक में दिया हुआ मिलेगा, आपको नॉट को लेना है और फिर डू और डज सब्जेक्ट को देख करके उसका नंबर और पर्सन देख करके आपको डू और डज में से एक लेना है, नॉट कोष्टक में दिया हुआ होगा वो उठा करके रखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में दी हुई मिलेगी वो आपको रखनी है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो दो प्रकार के वाक्य जो मैंने आपको बताए तो बताया अफर्मेटिव सेंटेंसेस और आज जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं बताए हैं, तो मैं मानता हूँ कि सभी बच्चों को जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरा मानना है कि कोई बच्चा जो है वो चाहे कितना भी कमज़ोर है इन बातों में इन वीडियो को देख करके चीज़ों को समझ करके गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको जो है वो इस मैंने कल बताया था कि ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो सभी टेंसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें, इस टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें इस टेंस पे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इसको अच्छी तरह से तैयार करें। और कन्फ्यूज़न किसी भी प्रकार का रहता है इसमें तो मुझे व्हाट्सएप पे अवगत कराए, बताए मुझे क्या समस्या रहती है आपके क्या कन्फ्यूज़न है तो वो बता दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वाक्य अपने खुद के वाक्य बनाएँ और मुझे बताएँ। ठीक है, अब इसमें प्रैक्टिस के लिए आपके होमवर्क के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ वाक्य जो है वो आपको डाले जाएँ जिससे कि मुझे मालूम हो कि वास्तव में जो है वो आपको ये वाक्य ये जो है वो समझ में आ गए हैं। दो प्रकार के वाक्य आपको समझें और ध्यान रखना
परीक्षा में परीक्षा की तैयारी के हिसाब से अपन तैयारी करवा रहे हैं, परीक्षा के हिसाब से ही जो है वो बताया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा में हमेशा जो है वो ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस ही पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है 60% 70% जो है वो वाक्य आते हैं अफर्मेटिव, चाहे टेंस कोई भी हो लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस डाले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा कुछ प्रतिशत जो है वो एक आध कोई सेंटेंस जो नेगेटिव का रहता है। प्रश्नवाचक वाक्य पूछे ही नहीं जाते हैं, तो वो सीधे अपन वाक्य कुछ उदाहरण देखेंगे प्रश्नवाचक के आगे। लेकिन ये दो प्रकार के वाक्य सभी टेंसों में आपको देखने जोर देना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ये जोर देकर के मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो अब आपके लिए होमवर्क जो है वो मैं बताता हूँ कि क्या क्या आपको कितने वाक्य आपको करने हैं। देखिए हाँ, तो स्टूडेंट्स ये कुछ उदाहरण है जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ठीक है। तो आपको ये वाक्य अपनी कॉपी में करके मुझे भेजना है। देखिए, राम नॉट ईट चॉकलेट्स, सी नॉट पुट फूड, द टीचर नॉट टीच इंग्लिश, द अर्थ नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, टू एंड टू नॉट मेक फोर, शॉपकीपर्स दुकानदार नॉट सेल थिंग्स, द फार्मर नॉट प्लॉ फील्ड्स, वाटर नॉट बॉइल एट 100°C, दे नॉट प्ले इन द इवनिंग, द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। देखिए ये कुछ उदाहरण को प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए हैं, तो आपको इनको करना है। अभी तो ठीक है, सिंपल है, आपको मालूम है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है नेगेटिव सेंटेंसेस से मालूम हो जाएगा, क्योंकि काम अपने पास सीमित है। अभी तक अपन ने इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही किए हैं, तो आप पहचान लोगे कि ये जो है वो टेंस के हैं। लेकिन जब टेंस पूरे हो जाएंगे तब जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए आगे टेस्ट लिया जाएगा, अचीवमेंट टेस्ट होगा। उसमें मैं मिक्स वाक्य डालूंगा सभी टेंसों के, और उसके लिए आपको पहचान जो उनकी होती है टेंस विशेष की, एडवर्ब वगैरह जो भी हैं जिन कार्यों के लिए जिस टेंस का उपयोग किया जाता है, तो वो पहचान जो है वो आपको याद होगी, तभी जो है उन वाक्यों को पहचान पाओगे, उनका वर्ब का सही रूप भर पाओगे। अभी शॉर्टकट अपनाया आपने कि जो है वो सर ने वही टेंस करवाया है, उसका पैटर्न ये होता है, के अनुसार जो ये वर्ब आएगी, इस हिसाब से काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको उनको सीखना ज़रूरी है, रटना नहीं है, सीखना है कि कैसे कहाँ क्या आएगा, किसका क्या बनता है और नियम क्या कहते हैं। तो इन वाक्यों को बढ़िया तरीके से सुंदर है राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, कॉपियों में काम करते समय राइटिंग पे जोर दें, और बढ़िया तरीके से जितना सुंदर हो सके काम करें, और मुझे कॉपी का जो पेज है जहाँ पर आपने काम किया है वो व्हाट्सएप पे भेजें। ठीक है, अब इसके बाद में जो बाकी जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सालान की परीक्षा में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं आते हैं, फिर भी जो है वो मैं उदाहरण जो है वो एक पैटर्न लिखवा करके फिर 5-6 उदाहरण जो है वो आपको लिखवा देता हूँ, दोनों के, इंटरोगेटिव नेगेटिव के और इंटरोगेटिव के, जिससे कि आपको उसके पैटर्न के अनुसार जो है वो समझ में आ जाए, और भविष्य में आपको कोई जो है वो आपको हिंदी वाक्य कहे या कोई पैटर्न पूछे तो आप उनको बता सकते हो। हालांकि परीक्षा में इस प्रकार के वाक्य नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये कुछ वाक्य तुम्हारे सामने, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, दोनों प्रकार के वाक्य पैटर्न सहित मैंने लिखा है। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, पैटर्न क्या होता है उनका, देखो इसमें दो प्रकार के वाक्य बताए मैंने। एक WH वर्ड वाले वाक्य हैं, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, आप मालूम होगा व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, ये सभी
जो है डब्ल्यू एच वर्ड की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा हाउ है, हाउ फार, हाउ अवे, ये हाउस जो शब्द जो है वो डब्ल्यू एच वर्ड नहीं होकर के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, तो वो भी डब्ल्यू एच वर्ड की श्रेणी में रखा जाता है और उसका भी इसी प्रकार से वाक्य बनता है। डब्ल्यू एच वर्ड का कहने का मतलब ये है कि जिसका जिस शब्द का पहला अक्षर जो है वो डब्ल्यू एच होता है तो डब्ल्यू एच श्रेणी की श्रेणी में रखा जाता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वही इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से रखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट कैसा है उसके अनुसार आपको इसको हेल्पिंग वर्ब को डू और डज में से रखना है। फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, ऐसे आई एस इसमें भी नहीं लगता है। और फिर ऑब्जेक्ट, हालांकि डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर कभी हो तो आपको यहाँ पर रखना है, उसका स्थान यहाँ है। उसके बाद में बाकी वाले शब्द जो है वो रखने हैं और उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स के वाक्य सब कैसे होंगे और दूसरे वाले वाक्य कैसे होंगे, तो दोनों प्रकार में समझा देता हूँ। देखो हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य देखो ये है, हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज, डू और डज में सब्जेक्ट के अनुसार आपको आगे लेना, सब्जेक्ट कैसा है उसके अनुसार डू, अगर सब्जेक्ट दो वजन है डू आएगा और एक वजन है तो डज आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, ठीक है, और अदर वर्ड्स और इंटरोगेशन मार्क, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो एक प्रश्न है, जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे अपन, जो है उदाहरण मैंने दिए हैं, देखो आप देखना है ध्यान से, व्हाट डज ही प्ले इन द इवनिंग। देखो पैटर्न ये, देखो डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, इस सब्जेक्ट के अनुसार क्योंकि तत्पर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब डज आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई एस नहीं लगता इसमें, और फिर जो है वो पीछे ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, इसमें एडवर्ब है तो जो है वो डाल दिया इसके पीछे, ठीक है। एडवर्ब होती है, एडवर्ब डालना है, ऑब्जेक्ट होता है तो रखना है, नहीं होता है तो लाना नहीं है कहीं से, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है। तो एडवर्ब डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया पीछे। अब देखो इसमें पूछा क्या है, व्हाट डज ही प्ले इन द इवनिंग, वह शाम को क्या खेलता है। अब देखो शाम को क्या खेलता है, अपन से कोई प्रश्न पूछते हैं कि आप उस शाम को क्या खेलते हो या सुबह क्या करते हो, तो आपको बोल करके उसका उत्तर देना पड़ता है कि हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं ये पढ़ता हूँ, उसका उत्तर बोल करके देना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न किए जाते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड से ही शुरू होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं वो है, जैसे देखिए उधर देखिए, डू यू वॉच द रामायण, शाम को आप रामायण देखते हो, शाम को आप रामायण देखते हो, सब पूछेंगे तब हम कहेंगे हाँ, या कहेंगे नहीं देखते हैं तो नहीं, तो इसका उत्तर जो है वो अपन यस या नो में दे सकते हैं। तो जिन प्रश्नों का उत्तर अपने यस, आपको प्रश्न पूछेंगे अपने आप मन बोल जाएगा कि प्रश्न कैसा, इसका उत्तर अपन यस या नो में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर यस या नो में दे सकते हैं तो वो एलपी वर्ब से शुरू होता है, डू या डज से, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही डू या डज से शुरू करेंगे यस या नो वाले प्रश्न, ठीक है। डू आएगा बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में, आई के साथ में, यू के साथ में, और या दूसरे जो भी बहुवचन सब्जेक्ट है उनके साथ में, वो डज आएगा एकवचन सब्जेक्ट के साथ में, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, जैसा आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया था। आपको ध्यान रखना है यस नो वाले प्रश्न जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जिसका उत्तर अपने यस या नो में नहीं दे सकते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो आप इससे ये समझ गए, ठीक है। अब तीसरा वाक्य, वेयर डू द फार्मर्स सो सीड्स, ठीक है, और डज मदर कुक फूड, ठीक है। तो ये वाक्य थे कुछ, ठीक है। तो पैटर्न के अनुसार ही मैंने बनाया है, ठीक है, कई ऑब्जेक्ट है कई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्ट है तो रखना है, नहीं है तो नहीं रखना है, कोई अदर वर्ड्स कहीं है कहीं नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है चीज़ इनमें से कोई चीज़ नहीं है यहाँ तक तो आपका होगा ही, प्रत्येक वाक्य में आपको यहाँ तक तो मिलेगा ही, ठीक है, प्रश्न चिन्ह भी होगा, ठीक है, ये तो होंगे ही, आगे वाले ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बाकी हुई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, परीक्षा में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी पैटर्न आपको ध्यान होना चाहिए कि इस किसके बाद में क्या आना चाहिए, ठीक है, और किसके साथ क्या आता है, प्रश्न कैसे बनता है, ये चीज़ जो है वो अगर प्रश्न बनाने के लिए आगे जो है वो बहुत इसमें 11वीं 12वीं 10वीं जो है वो इनमें प्रश्न बनाने फ्रेमिंग क्वेश्चंस वगैरह में इसमें जो है वो ये बहुत जानकारी बहुत काम की है, इसलिए आपको लर्न तो करना है ही, लेकिन
परीक्षा के हिसाब से उन पर ज़्यादा जोर दें, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव जो है वो उन पर ज़्यादा जोर दें। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि प्रश्न भी पूछा गया होता है और नकारात्मक होता है, दोनों साथ में होता है, उसको कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न देखो, इसमें सेम पैटर्न है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों का ही, केवल नोट लगाया है और नोट कहाँ पर लगाया है, सब्जेक्ट के बाद आपको ध्यान रखना है। सेम पैटर्न जो इंट्रोगेटिव में आपने किया है, केवल नोट लगाओगे आप सब्जेक्ट और वर्ब के पहले, वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। इसके कुछ उदाहरण दिए, व्हेन डज ही सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाया, प्ले क्रिकेट, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। डू आई नोट लिया सब्जेक्ट के बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और जो पीछे रहता है वो, ठीक है। इस प्रकार से ये वाक्य बनाया था, वाक्यों का पैटर्न समझे और इनको भी कॉपी में ये वाक्य जो है वो करें। और ये मेरे हिसाब से जो आज और कल अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, तो इनको मेरा मानना है कि सभी को जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा, ठीक है। और इसको बार बार आप जो है वो इस चीज़ को देखें, और किताबों से ही जो है वो ये आसान है। और आसान इसलिए है कि जो है वो किताब तो आपको जो है वो कभी लाइट नहीं होती है, कभी बाहर होते हैं, कभी यात्रा कर रहे होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो जो है किताब तो संभव नहीं है कि अपन पास में रखें। लेकिन मोबाइल जो है वो हर समय अपने पास में रहता है, रात के अंधेरे में अगर अपन पलंग पे सो रहे हैं तब वहाँ पर भी जो है वो अपन जो है वो मोबाइल का प्रयोग करके इस वीडियो को देख करके उनको समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये तो और ज़्यादा आसान है। और इस चीज़ को प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं मानूंगा कि जो है वो आपका अच्छी तरह से तैयार हो गया है। और ये मैं देखना चाहूँगा आप बढ़िया तरीके से कॉपी में काम करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, बढ़िया राइटिंग, सुंदर राइटिंग, राइटिंग का विशेष ध्यान रखें और बिना गलतियां किए सोच समझ करके 3-4 बार वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करके इन वाक्यों को भेजें। धन्यवाद, आज के अब इतना ही। कल जो है उससे आगे वाला टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।